हेलो सुपर फ्रेंड्स। तो टॉम हॉलैंड का बर्थडे भी निकल गया और केविन फाइगी का भी बर्थडे निकल गया, पर स्पाइडरमैन नो वे होम का टीजर अभी भी नहीं आया। इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट हो गई थी पूरे ट्विटर पर, ऐसा लग रहा था किसी भी मिनट टीजर आ ही जाएगा। लेकिन अब दिसंबर में रिलीज डेट है, तो इस वीक से लेकर नेक्स्ट वीक तक कुछ ना कुछ मटेरियल जरूर मिल जाएगा। सच बताऊं तो एक स्पाइडरमैन मूवी होने से ज्यादा वेट इसलिए भी इस मूवी का है कि इसकी कास्ट इतनी लंबी और इतनी अजीब है। रोज कोई ना कोई कास्ट में ऐड हो जाता है, तो इतने सारे लोगों के बीच कनेक्शन कैसे बैठेगा, और सच में ऐसा कुछ मल्टीवर्स टाइप का होने वाला भी है या फिर नहीं, ये सब कंफर्म करने के लिए स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर का वेट है। अब ट्रेलर तो जब आएगा तब देखा जाएगा, पर आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जितनी भी चीज़ें अभी तक नो वे होम से रिलेटेड सुनने को मिली हैं, अगर उनमें ज़रा सा भी दम है और वो सच होती हैं, तो किस तरह से स्पाइडरमैन नो वे होम अब तक की सबसे ऐतिहासिक स्पाइडरमैन मूवी होने वाली है, और किस तरह से इसके इवेंट्स आने वाले एमसीयू को हमेशा के लिए चेंज कर देंगे। तो पहली चीज जो नोटिस करने वाली है वो ये कि नो वे होम अपनी तरह की पहली लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स मूवी हो सकती है, जिसका रीजन इसका मोस्ट प्रोमिनेंट रूमर कि इसमें टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ टॉमी मैग्वायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन भी टीम अप करते हुए दिखेंगे। वैसे इन तीनों स्पाइडरमैन को एक साथ एमसीयू में दिखा पाना काफी ट्रिकी चीज है, लेकिन अगर सोनी और केविन फाइगी ने टॉम हॉलैंड की एमसीयू टाइमलाइन को ध्यान में रखते हुए कुछ प्लान किया हो तो काफी ऑसम टीम अप दिख सकता है नो वे होम में। अब इससे पहले भी एनिमेटेड स्पाइडरवर्स मूवी देख चुके हैं हम लोग, जो काफी सक्सेसफुल रही थी, तो उसकी सक्सेस भी शायद मोटिवेशन बने नो वे होम में इन तीनों स्पाइडरमैन के टीम अप को दिखाने के लिए। अब अगर ये रूमर सच होता है तो एक और चीज चेंज हो जाएगी एमसीयू में, और वो ये होगी कि टॉबी मैग्वायर और एंड्रू गारफील्ड की स्पाइडरमैन मूवीज भी एमसीयू कैनन हो जाएंगी, मतलब एक तरह से एमसीयू का ही पार्ट मानी जाएंगी आगे से, जिससे आगे चलकर इन पुरानी स्पाइडरमैन मूवीज और एमसीयू की टाइमलाइंस को कनेक्ट करने के लिए कई रेफरेंसेस भी फ्यूचर मूवीज में देखने को मिल सकते हैं। वैसे जिस तरह से अल्फ्रेड मोलिना डॉक ऑक के लिए और जेमी फॉक्स इलेक्ट्रो के लिए वापस बुलाए गए हैं, तो ऐसे में लग रहा है कि तीनों स्पाइडरमैन भी एक साथ देख सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर ऐसा होता भी है तो टॉबी मैग्वायर और एंड्रू गारफील्ड केवल एक ही मूवी में दिखेंगे, इसके बाद की स्पाइडरमैन मूवी में शायद उनको ना दिखाया जाए, क्योंकि अगर उनको दिखाया जाता है आगे भी तो ऐसे में टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की इंपॉर्टेंस कम दिखने लगेगी अगर तीन तीन स्पाइडरमैन हर समय एग्जिस्ट करेंगे। वैसे सबसे पहले रूमर तो ये भी था कि इन तीनों स्पाइडरमैन को डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में दिखाया जाएगा, लेकिन अब देखते हैं किस मूवी में इनका टीमअप देखने को मिल सकता है। अब इन सब के अलावा नेक्स्ट चीज जो पहली बार किसी स्पाइडरमैन मूवी में एक्सप्लोर की जाएगी वो होने वाली है कि अब स्पाइडरमैन की सीक्रेट आइडेंटिटी सारी पब्लिक को पता है। तो ये बॉम्ब फूटता है फार फ्रॉम होम के मिड क्रेडिट सीन में, जहां द डेली बिगल के जे जोना जेम्सन फिर से वापसी करते हुए अपना फेवरेट काम करते हुए दिखते हैं, और वो है स्पाइडरमैन की दुनिया हिलाना। और यहां पर वो कुछ ऐसे हिलाते हैं कि स्पाइडरमैन को मिस्टीरियो के मर्डर और लंडन अटैक के लिए फ्रेम करते हैं, और पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है पूरी दुनिया को पता चल जाता है। और अगर देखें तो स्पाइडरमैन नो वे होम का टाइटल भी सजेस्ट कर रहा है कि पीटर पार्कर के अंडरग्राउंड होने का टाइम चल रहा है। एक दो सेट फोटोज जो शूटिंग की रिलीज की गई थी उनको देखकर भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। तो जब तक पीटर पार्कर अपनी इनोसेंस प्रूव नहीं कर देता है तब तक उसके लिए नो वे होम ही रहने वाला है, क्योंकि रिसेंट डिज्नी प्लस शो से ये क्लियर है कि एमसीयू में अभी भी सोकोविया अकॉर्ड्स फॉलो हो रहे हैं। तो ऐसे में स्पाइडरमैन एक सुपर हीरो होने के बावजूद भी गवर्नमेंट और मर्डर इन्वेस्टिगेशन के रडार पर रहने वाला है, तो काफी नई और अलग तरह की स्पाइडरमैन स्टोरी एक्सप्लोर की जाने वाली है इस मूवी में। तो यहां से एक रूमर और भी फिट बैठ सकता है कि डेयर डेविल या शी हल्क को पीटर पार्कर के लॉयर की तरह इंट्रोड्यूस कराया जाए इस मूवी में। नेटफ्लिक्स के फेमस मार्वल शोज डेयर डेविल और पनिशर जैसी सीरीज को मार्वल ने एक झटके में खत्म कर दिया, और जब से इन शोज के राइट्स वापस मार्वल के पास आए हैं तब से इन कैरेक्टर्स को एमसीयू में इन्वॉल्व करने की होप कर रहे हैं फैंस, क्योंकि ये एक्टर्स और कैरेक्टर्स ऑलरेडी काफी फैन फॉलोइंग लेकर मार्वल के पास वापस आए हैं। और एक लॉयर को इंट्रोड्यूस कराने का इससे अच्छा प्लॉट क्या मिलेगा जब पीटर पार्कर के ऊपर मर्डर एलिगेशंस लगे हों। इसलिए काफी टाइम्स ये रूमर था कि डेयर डेविल को स्पाइडरमैन नो वे होम में कास्ट कर लिया गया है। वैसे इसके अलावा एक और कैरेक्टर है शी हल्क, जो खुद कॉमिक्स में एक लॉयर है, और शी हल्क का डिज्नी प्लस शो भी ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, तो हो सकता है स्पाइडरमैन नो वे होम से ही उसका एमसीयू क्रॉसओवर शुरू करा दिया जाए, जैसा कई बार मार्वल पहले भी कर चुका है। स्पाइडरमैन और ब्लैक पैंथर भी अपनी मूवी से पहले इंट्रोड्यूस करा दिए गए थे सिविल वॉर में, और कॉमिक्स में भी स्पाइडरमैन और शी हल्क कई बार टीम अप कर चुके हैं, तो हो सकता है उसे यहाँ पर नो वे होम में एक नॉर्मल लॉयर की तरह इंट्रोड्यूस कराया जाए और शी हल्क शो में उसकी पावर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट एक र्यूमर नहीं बल्कि फैक्ट है, और वो है सिनिस्टर सिक्स की असेंबलिंग, जिसको द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में पहली बार टीज किया गया था, और तब से सोनी सिनिस्टर सिक्स मूवी डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। अब नो वे होम एक अच्छा प्लॉट लेकर आया है सिनिस्टर सिक्स के लिए, क्योंकि पीटर पार्कर की आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है, तो ऐसे में जितने भी एंटी स्पाइडरमैन सुपर विलन्स हैं उनको असेंबल करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इसकी हिंट ऐसे भी समझी जा सकती है कि कॉमिक्स में सिनिस्टर सिक्स को डॉक्टर ऑक्टोपस ने फॉर्म किया था, जो कि इस मूवी में इलेक्ट्रो के साथ वापस लौट रहे हैं। साथ में वल्चर तो अभी भी है ही एमसीयू में, और मिस्टीरियो के भी जिंदा होने के कई सारे रेफरेंसेस फार फ्रॉम होम के बाद मिले थे, तो स्टेज तो पूरा सेट लग रहा है सिनिस्टर सिक्स के इंट्रोडक्शन के लिए। अब देखते हैं किस तरह और कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इन लोगों का रहेगा नो वे होम में।
अच्छा, इनके अलावा एक और कास्ट ऐड हुई थी जिसने मूवी की हाइप एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचा दी थी, और वो थे डॉक्टर स्ट्रेंज। सोनी और मार्वल के बीच जो डील हुई थी एमसीयू में सोलो स्पाइडरमैन मूवी बनाने को लेकर, उसमें ये भी था कि एमसीयू का कोई बड़ा सुपर हीरो भी मूवी में ऐड किया जाएगा। होमकमिंग में साक्षात टोनी स्टार्क थे, फार फ्रॉम होम में सुपर हीरो हैंडलर निक फ्यूरी थे जो कि बाद में पता चला एक स्क्रल थे, और नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन के नए मेंटोर की तरह दिखाए जाएंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज आजकल किसी भी मूवी में ऐड होते हैं तो वहां से एमसीयू फैंस को मल्टीवर्स की स्मेल आने लगती है, और यही चीज इस मूवी से जुड़े बड़े बड़े रूमर्स को कंफर्म करने पर मजबूर कर देती है। तो अगर डॉक्टर स्ट्रेंज नो वे होम में होते हैं तो शायद ये पहली स्पाइडरमैन मूवी होगी जिसमें मैजिक और सॉर्सरी इन्वॉल्व होगी। नेक्स्ट पॉइंट है एमसीयू में रोमांटिक कपल्स के ऊपर। 2008 से अगर देखें तो एमसीयू का सबसे फेमस कपल टोनी स्टार्क और पेपर पॉट्स थे, जिसका एंड एंड गेम में टोनी की डेथ के साथ हो गया। स्टीव और पेगी भी अब है नहीं। हाँ, वांडा विजन तो पूरा लव स्टोरी टाइप शो था जहां वांडा और विजन सबसे ज्यादा रोमांटिक कपल लगे अब तक मुझे, लेकिन वांडा विजन शो के बाद से इन कपल का स्टेटस भी स्टैंड बाई पर है। तो ऐसे में पीटर पार्कर और एमजे एमसीयू के नेक्स्ट सबसे जोरदार कपल हो सकते हैं, क्योंकि स्पाइडरमैन की कोई भी मूवी रही हो उसकी लव लाइफ हमेशा से मूवी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट रही है, और टॉम हॉलैंड और जेंडाया की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी काफी अच्छी है। तो ऐसे में एमजे और पीटर पार्कर एमसीयू के नए सबसे इंपॉर्टेंट और फेमस कपल बन सकते हैं। अभी स्पाइडरमैन की लाइफ में जितना ज्यादा लव इंपॉर्टेंट है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंकल बेन, लेकिन एमसीयू में अंकल बेन के बारे में कभी खुलकर बात की नहीं गई। अब एमसीयू फैंस के बीच ये माना जाता है कि अंकल बेन वाला रोल स्पाइडरमैन की लाइफ में लगभग टोनी स्टार्क ने निभाया है, और फार फ्रॉम होम पूरी मूवी टोनी के दुख में ही बीत गई, लेकिन इन सबसे चचा बेन की इंपॉर्टेंस कम नहीं आकी जा सकती है पीटर की लाइफ में। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अंकल बेन को मूवी में दिखा दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी इतनी बार पिछली मूवीज में अंकल बेन को मारा जा चुका है कि मार्वल ने उसे आगे बढ़ने का फैसला लिया, पता है मुझे। हाँ, लेकिन पीटर की पास्ट लाइफ सिविल वॉर के पहले कैसी थी, अंकल बेन का उसमें क्या रोल था, इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो दी जा सकती है। अब यही सब चीजें हैं जो स्पाइडरमैन नो वे होम में देखने को मिलेंगी। इनमें से कुछ तो ऐसी हैं जो स्पाइडरमैन की स्टोरी को अनएक्सपेक्टेड तरीके से एक्सप्लोर करने वाली हैं, और कुछ तो शायद केवल र्यूमर ही होने वाले हैं, या फिर कह भी नहीं सकते हैं जब तक कि नो वे होम देख न ली जाए, क्योंकि स्पाइडरमैन जो कि एक फ्रेंडली नेबरहुड सुपर हीरो था, एमसीयू में आने के बाद वो स्पेस में जा चुका है, एलियन से फाइट कर चुका है, लोगों को मार चुका है, इन्फिनिटी गॉन्टलेट भी पकड़ चुका है, तो किसी भी रूमर को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। और बाकी रूमर तो ये भी है कि स्पाइडरमैन नो वे होम और फैंटास्टिक फोर मूवी में अच्छा खासा कनेक्शन होने वाला है, क्योंकि दोनों मूवीज को जॉन वॉट्स ही डायरेक्ट कर रहे हैं। तो अभी कितना सच है कितना झूठ ये तो फ्यूचर ही बताएगा, और शायद कुछ एक चीजें टीजर से भी पता चल जाए जो कि 2 वीक्स के अंदर तो जरूर आ जाएगा। तब तक तो रूमर्स और फैन थ्योरी से काम चलाना पड़ेगा। वैसे आपके हिसाब से ऐसा कौन सा रूमर या फैन थ्योरी है जिसके नो वे होम में सच होने के पूरे चांसेस हैं, या फिर आपके पास भी अपनी कोई थ्योरी है तो कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। एक चीज और है कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने जो सजेशंस दिए थे तो थैंक्स फॉर दैट, उनको मैंने कंसीडर भी किया है। तो जो आपके पास वीडियोस की नोटिफिकेशंस ना आने वाली प्रॉब्लम है उसके लिए अब से मैंने वीडियो अपलोड करने का एक टाइम डिसाइड कर लिया है, और वो होगा सुबह 11 बजे। सारे वीडियोस आज से सुबह 11 बजे अपलोड होंगे। हाँ, अगर कोई ब्रेकडाउन वगैरह है तो उसको जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। दूसरी चीज जो थी वो थी वीडियो अपलोड करने की फ्रीक्वेंसी, तो उसके लिए भी मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है जो मैं आपको नेक्स्ट वीक के लास्ट में बताऊंगा। पहले एक बार मैं फॉलो करके देख लूँ, क्योंकि आदित्य तो आप मेरी जानते ही हो, कमिटमेंट करके भी फॉलो नहीं कर पाता हूं, तो इसीलिए एक बार खुद ये प्लान फॉलो कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे शेयर करूंगा नेक्स्ट वीक। तो ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही। अब लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें इस नीले बर्फीले चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहिए, खुश रहिए, और ब्लू आइसबर्ग की वीडियोस देखते रहिए।